हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू योर 5 मिनट जोश सीरीज़ या बूस्ट सीरीज़. ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ प्रमाणर्स, है ना. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, टाइप्स ऑफ प्रमाणर्स. 5 मिनट सीरीज़ बाय आकृति मैम. आप मेरे नाम से भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको 5 मिनट सीरीज़ और दोनों नेट की क्लासेस मिल जाएंगी. क्लियर है, बाय आकृति मैम. क्लियर है, लेट्स स्टार्ट. अब हमारे पास आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, टाइप्स ऑफ प्रमाणर्स. टाइप्स ऑफ प्रमाणर्स हमारे पास होते हैं 6 टाइप्स के. कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के. वी हैव 6 टाइप्स ऑफ प्रमाणर्स. सबसे पहला आता है प्रत्यक्षा. क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यक्षा, परसेप्शन भी बोलते हैं. फिर आता है अनुमाना. अनुमाना होता है आफ्टर नॉलेज. उपमाना, उपमाना का दूसरा नाम होता है कंपैरिजन. जैसे हम बोलते हैं एनालॉगी. क्या बोलते हैं, एनालॉगी. ठीक है, कंपैरिजन हो गया, प्रत्यक्षा हो गया, अनुमाना हो गया, उपमाना हो गया. आफ्टर दैट शब्द, जिसे हम बोलते हैं वर्बल टेस्टोनॉमी. क्या बोलते हैं, वर्बल टेस्टोनॉमी. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर, बताओ, अर्थपति. वेरी गुड, दैट इज योर अर्थपति. हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं. फिर क्या आता है, अनुपलब्धि. क्या आ गया, अनुपलब्धि. वेरी गुड. ठीक है, ये है हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ प्रमाणर्स, प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना और शब्दा, अर्थपति एंड अनुपलब्धि. क्लियर है. अब ये इनका काम क्या होता है, वी गेन नॉलेज. इससे हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं. किस में हेल्प करती है, हमारी नॉलेज गेन करने में. हेल्प अस इन गेनिंग द नॉलेज. किस में हेल्प करती है, नॉलेज गेन करने में. तो प्रत्यक्षा से हम नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, प्रत्यक्षा से नॉलेज गेन करते हैं हम थ्रू सेंस ऑर्गन्स, बाय सेंस ऑर्गन्स. अगर आपको प्रत्यक्षा से नॉलेज गेन करनी है तो आप कैसे नॉलेज गेन करेंगे, अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके. किसका यूज़ करके, अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्षा से नॉलेज गेन कर सकते हैं. अनुमाना, आफ्टर, अनु मीन्स आफ्टर, माना मीन्स नॉलेज, कि आपके पास कोई प्रायर नॉलेज है उससे आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं क्या, कोई न्यू नॉलेज, सेकेंडरी नॉलेज. तो दैट इज योर अनुमाना. ये क्या कहलाएगा, अनुमान. उपमाना, कंपैरिजन एंड एनालॉगी. जब आप दो चीज़ों में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे बाय कंपेयरिंग द थिंग्स. जब हम क्या करके, कंपेयर करके. शब्द, वर्बल टेस्टोनॉमी. तो नॉलेज इज गेन थ्रू वर्ड्स. इसमें आप नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज इज गेन थ्रू वर्ड्स. नॉलेज को कैसे गेन करते हैं बेटा, वर्ड्स की हेल्प से. किसकी हेल्प से गेन करेंगे, वर्ड्स की हेल्प से. जब आप नॉलेज को वर्ड्स की हेल्प से गेन करते हैं तो दैट गोज फॉर शब्द. अर्थपति, जब आप लॉजिक का यूज़ करते हैं, रीजन का यूज़ करते हैं, या फिर जब आप चीज़ों के अंदर, दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताने लगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने लग जाए, तो दैट इज़ अर्थपति. अनुपलब्धि क्या कहता है, कि नॉलेज इज गेन्ड फ्रॉम नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स. जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, आप उनसे नॉलेज गेन करें, तो दैट इज़ अनुपलब्धि, कि नॉलेज इज गेन्ड फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंट थिंग्स. क्लियर है, तो दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ प्रमाणर्स. तो कितने टाइप्स के प्रमाणर्स हैं, 6 टाइप्स के प्रमाणर्स हैं. फर्स्ट वन इज प्रत्यक्षा, सेकेंड वन इज अनुमाना, थर्ड वन इज उपमाना, फिर शब्द, अर्थपति एंड अनुपलब्धि. प्रत्यक्षा कहते हैं कि नॉलेज कहाँ से गेन करेंगे, सेंस ऑर्गन से. अनुमाना कहते हैं आपके पास कोई पहले नॉलेज है उसी से आप क्या कर रहे हैं, कोई सेकेंडरी नॉलेज कर रहे हैं. अनु का मतलब होता है आफ्टर, अनुमाना का मतलब होता है नॉलेज, उपमाना कंपैरिजन या एनालॉगी. तो नॉलेज कैसे गेन की जाती है, कंपेयर करके. ठीक है, शब्द, वर्बल टेस्टोनॉमी. नॉलेज इज गेन थ्रू वर्ड्स. किसके थ्रू, वर्ड्स के थ्रू. अर्थपति कहता है आप नॉलेज गेन करेंगे लॉजिक लगा के, रीजन लगा के, या कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके. अनुपलब्धि क्या कहती है, कि जो नॉलेज है वो गेन की जाएगी कहाँ से, फ्रॉम नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स, ऐसी चीज़ों से जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं कल फिर से एक न्यू 5 मिनट सीरीज के साथ. ओके, थैंक यू.